अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फरीन। आज हम बनाएंगे हलीसा, जिसके लिए हमें चाहिए ये कुटा हुआ गेहूँ। ये देखिए, मैंने ये जो अध कुटा, इसे लापसी का गेहूँ कहते हैं, ये अध कोर्सली पाउंडेड होता है। ये आपको मैं दिखाने के लिए कुछ ग्रेन्स रखी हूँ। इसको हमें क्या करना है, मैंने ये पाव किलो ली हूँ ओवर रात, मतलब मैंने इसे एक्चुअली ओवरनाइट सोक करना होता है। तो पहले मैंने 6 गिलास पानी ली, उसको बॉइल करी। जब बॉइल्ड आया तो मैंने इसके अंदर ये जो 1.25 किलो लापसी के गेहूं जो आपको मैं बताई हूँ, उसको मैंने 3 टाइम वॉश करके बॉइल्ड, पानी बॉइल्ड हो रहा था उसमें मैंने डाल दी। डालने के बाद 5 टेबलस्पून ऑयल डाली और फिर उसको 2 मिनट तक फास्ट बॉइल्ड होने दी। उसके बाद फ्लेम ऑफ करके उसे कवर करके ओवरनाइट मैंने रख दी। उसके बाद ये इस तरीके से हो गया है। बस सिर्फ 2 मिनट बॉइल देके फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ढक के ओवरनाइट रखना है। अगर ओवरनाइट नहीं करे नो प्रॉब्लम, 3-4 घंटे के लिए भी आप इस तरीके से रख के इसको यूज में ले सकते हो। अभी सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम ऑयल ले लेंगे और 3 मीडियम ऑनियन स्लाइस क्यूबी, उसे फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। प्याज सॉफ्ट हो रही है तो हम ये बाकी की चीजें देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने 1.25 किलो गोश्त ली हूँ, आप आपकी मर्जी से थोड़ा सी कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 किलो चिकन ली हूँ और ये बकरी का जो जूड़ा आता है ना, उसके अंदर फेफसा होता है, दिल और कलेजी, ये तीनों चीज मैंने ले ली हूँ। आप गुर्दे भी ले सकते हैं और मुंडी में से जबान जो होती है वो मैंने कट करके ले ली हूँ। आप अगर मुंडी के बाकी के जो पीसेस होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, मैं सिर्फ जबान यूज कर रही हूँ। ये सारी चीजें हमको हलीसा बनाने में जरूरत पड़ेगी। प्याज अभी सॉफ्ट हो गई है, अभी हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ा उसको फ्राई करेंगे और साथों साथ ये मैंने 7 to 8 ग्रीन चिली ले ली हूँ, स्लिट करके इसको थोड़ा सी चॉप कर ली हूँ थोड़े बड़े बड़े पीसेस में। ये 7 से 8 ली हूँ, पूरे हलीसे में थिकास इसी की होंगी, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये भी मैं साथ में फ्राई कर लूँगी। अभी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले ये फेफसा, आप सबसे पहले फेफसा और दिल डालेंगे और जबान। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे कि हम रेगुलर डेज में जो लाते हैं फेफसा, वो छोटे बकरों का होता है तो वो जल्दी गल जाता है, उसका कुकिंग टाइम होता है 15 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अगर बकरी के टाइम पे अगर यूज करते हो तो मतलब आपको आपका टाइम इंक्रीज होना चाहिए, ज्यादा टाइम तक आपको पकाना है। लेकिन आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जैसे कि अभी मैंने फेफसा और दिल डाल रही हूँ और जबान डाल रही हूँ, ये हाफ कुक्ड होएगा, हाफ टेंडर होगा तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। उसके बाद उसका प्रेशर पूरा निकलने के बाद मैं गोश्त डालूंगी, फिर गोश्त का जो पूरा कुकिंग टाइम होता है जैसे 7 मिनट 8 मिनट, उसके साथ साथ ये वापस दोबारा 7-8 मिनट कुक करेंगे तो ये सारी चीजें बराबर से कुक्ड हो जाएंगी, बराबर इक्वल टाइम में। तो लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में आपको मैं खास स्पेशली इसके लिए बोल रही हूँ कि बकरी के टाइम पे ये हर चीज़ों को गलने में ज़्यादा देर लगती है, तो आप अकॉर्डिंगली करना। अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें ये पूरा ऐड कर देती हूँ और ये जबान भी डाल रही हूँ इसमें मैं। अभी कलेजी, चिकन, ये सब हम बाद में डालेंगे और गोश्त तो हम ये जब आधा पक जाएगा तब हम गोश्त डालेंगे। और इसमें मैं ये 1/2 कप चॉप कोथमीर भी डाल रही हूँ और ये थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दूंगी। अभी इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करके फिर हम थोड़ा सी पानी डाल के इसे प्रेशर कुक करेंगे। इसमें हमने पानी ऐड कर दिए है, अब हम से कवर करके प्रेशर कुक करेंगे। एक बार सीटी बज जाएंगी फिर हम फ्लेम को स्लो करके इसको 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जब तक प्रेशर कुकर में हमने वो फेफसा वगैरह गलाने रखे हैं,
तब तक हम ये जो भिगाए थे लापसी के गेहूं, इसको हम एक एक बार चर्न करके निकाल लेंगे। ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल आटे की तरह नहीं कर देना है। देखिए इस तरीके से हमने इसे ग्राइंड किए हैं, एकदम ज्यादा भी पेस्ट जैसा नहीं बनाई है, थोड़ा थोड़ा दाने जैसा दिख रहा है। ओके देखिए इसको 10 मिनट्स तक हमने पकाए थे स्लो फ्लेम पे। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने हाई पे रखी हूं। अब इसको बस ठीक से ऐसा गोश्त को इतना ऐसा सेट करके वापस प्रेशर कुक करेंगे। इसे एक बार सीटी बजने के बाद स्लो फ्लेम पे 7 to 8 मिनट्स तक कुक करेंगे। इसमें दोबारा से पानी डालने की जरूरत नहीं है, इसी पानी में ये गलेगा। अभी ये मटन भी गल चुका है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। अब इसमें ये 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर भी डाल देंगे। इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करना है 5 मिनट्स तक। आफ्टर 5 मिनट्स इसमें हम कलेजी डालेंगे, इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे ही पकने देंगे। इन बिटवीन हम इसे एक बार चेक करेंगे स्टिर करके, अभी भी इसमें थोड़ा पानी है। और पूरे 5 मिनट्स हो जाएंगे, उसके बाद हम कलेजी डालेंगे। इसे बीच बीच में एक बार, मतलब एक दो बार चेक करना है। फ्लेम हाई है इसीलिए कि किधर कुकर में स्टिक ना हो। फाइव मिनट्स हो गई है, अब हम इसमें कलेजी डाल देंगे। अभी इसे भी अच्छे से मिक्स करके कवर करके इसे भी 5 मिनट्स तक कुक करेंगे और इन बिटवीन चेक करना है। 1-2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। अभी कलेजी डाल के भी 5 मिनट्स हो गई है, अब हम ये पूरे मिक्सचर को गेहूं में मिला देंगे। अभी हमने लापसी के गेहूं और गोश्त के मिक्सचर को मिक्स कर दिए हैं। जब तक ये हाई फ्लेम पे कुक्ड होता है तब तक हम वगार की तैयारी करेंगे। वगार करने के लिए हमने एक पैन में ऑयल लिए है और इसके अंदर मैंने एक मीडियम ऑनियन स्लाइस कर ली हूँ, ये इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई किए है, अब इसमें 2 टेबलस्पून चॉप गार्लिक ले लेना है। देखिए अभी प्याज और लहसुन दोनों ब्राउन हो गए, हम फौरन से कोकनी डालेंगे। फटाफट स्टिर करके इसे हलीसे के ऊपर डाल देंगे, ज्यादा नहीं फ्राई करना है। कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद हम ओपन करके इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसमें 2-3 बॉइल्ड आने के बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। हरीसे को गार्निश करने के लिए मैंने रेडी कर ली हूँ बिरिस्ता और कोरिएंडर चॉप्ड। सो गाइस, हलीसा इज रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।